मैं शेफ गौतम महर्षि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खाने में अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो होममेड हो, फ्रेश हो, थोड़ा सा यूनिक हो और स्वाद में बहुत ही लाजवाब हो, जैन क्विजीन के कुछ ऐसे ऐसे रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया नया बनाते हैं जिसमें हेल्थ होता है, स्वाद होता है, होममेड होता है, ये सबसे बड़ी बात। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही होममेड रेसिपी जिसमें स्वाद है, जिसमें न्यूट्रिशन है, बहुत कुछ है। आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है होममेड चीज विद पैप्रिका एंड ऑलिव ऑयल। इस होममेड रेसिपी में पहला स्टेप, सुबह सुबह ताजा दही लीजिए, उसको मसलिन क्लॉथ मलमल के कपड़े में बांध दीजिए ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद इस तरह दो ढाई घंटे के बाद आप देखेंगे दही टफ हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ हम कंबाइन करेंगे ताजा ताजा पनीर आप लेके आए और उसको क्या करना है, कद्दूकस एकदम फाइन ग्रेट करके हमें इस्तेमाल करना है। तो ये पनीर हमने कर दिया है अच्छे से ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, ये जो चीज हमने ग्रेट करी है ये हमें इसके अंदर निकालनी है, इसे अब स्मूथ बनाना है ग्राइंडर के अंदर। थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे इस तरह चीज जो थोड़ा सा लिक्विडिफाई हो गया, पिस गया। अब इसको फ्लेवर हमें देना है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑलिव ऑयल, इसमें हमें थोड़ा सा ये जो दही है ये भी कंबाइन करना है और अगेन इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसको क्या करना है, एक बोल में निकालें और चेक करते हैं। देखिए काफी क्रीमी है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। इस्तेमाल करेंगे एक लकड़ी का चम्मच और इसको इस तरह पहले क्रीम करेंगे। अब हमें तैयार कर रहे हैं इसका फ्लेवर, जिसके लिए एक बोल में सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर, इसके बाद ऑलिव ऑयल हमें एक धार में अच्छे से इसमें कंबाइन करना है। कैसे ये देखिए, इस स्टेज पर इसमें और थोड़ा सा हम सॉल्ट भी डालेंगे। फ्लेवर हमारा तैयार है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, जो हमने यहां पर चीज इसमें थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करेंगे प्रोपोर्शन, अब जितना चीज हमारे पास यहां है तो उतना ही योगर्ट लें। अब धीरे धीरे इसको इसके साथ इस तरह मिलाते जाएं। अब इसको अगर ऐसे हम स्पून में लें तो देखिए गिर नहीं रहा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब टेक्सचर एक्सेलेंट। अब क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेवर और कलर, उसके लिए एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट डिश जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक पाइपिंग बैग का भी हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा सा हमने जो चीज है और ऑलिव ऑयल का इमल्शन बना हुआ है, उसको गाढ़ा गाढ़ा जो पैप्रिका है वो ले और इसके ऊपर इस तरह पोर करें। मान लीजिए तैयार है हमारी ये रेसिपी जिसका नाम है होममेड पैप्रिका एंड ऑलिव ऑयल चीज। इसको करना क्या है, रेफ्रिजरेटर में एक घंटा रखें, उसके बाद कैसे यूज करेंगे ये जानेंगे थोड़ी देर में। तब तक देखिए हमारी आज की रेसिपी होममेड पैप्रिका एंड ऑलिव ऑयल चीज का एक छोटा सा रीकैप।
जम्मू चीज व पेपरिका एंड ऑलिव ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए निर्धारित सामग्री 250 ग्राम पनीर 7 से 8 टेबलस्पून जैतून का तेल 5 टीस्पून दही 3 से 4 टीस्पून पेपरिका पाउडर स्वाद अनुसार नमक होममेड चीज विद पेपरिका एंड ऑलिव ऑयल बनाने की विधि एक मिक्सर में पिसा हुआ पनीर जैतून का तेल और दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें अब एक बोल में पेपरिका पाउडर जैतून का तेल और नमक मिला लें इसके बाद पनीर के पेस्ट में दही मिलाकर रखें अब पनीर के पेस्ट के ऊपर पेपरिका के मिक्सचर को स्प्रेड करें आपका होममेड चीज विद पेपरिका एंड ऑलिव ऑयल तैयार है एक घंटा बीत चुका है चेक करते हैं हमारी चीज काफी हार्ड हो चुकी है और फ्लेवर देखिए उसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा है अब इसको इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं और ये जो हमारी पेपरिका एंड ऑलिव ऑयल होममेड चीज है इससे अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन पीस को इस्तेमाल करके हरे मटर के दानों को इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जिसका नाम है ग्रीन पी एंड चीज फ्रिटर्स इसके लिए क्या करना है कि जो हरे मटर के दाने हैं उनको हमें थोड़ा सा एक फूड प्रोसेसर के अंदर पीसना है एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करना है फूड प्रोसेसर में उबाल के रखे हुए हरे मटर के कुछ दाने हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्वाद के लिए नमक उसके साथ ही हमारे पास कुछ भुने हुए जीरे का पाउडर है ताजी ताजी पुदीने की पत्तियां हैं इनका भी इस्तेमाल होगा इसमें प्रोसेस करते हैं जल्दी से तैयार है मिक्सचर आगे बढ़ते हैं मटर को पीस के जो मिक्स हमने तैयार किया है एक बोल में उसे निकालना है हमारी चीज तो हमने जो बनाई है होममेड चीज उसका इस्तेमाल होगा ही होगा डेफिनेटली लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कच्चा केला उबाल के रखा हुआ भी इस्तेमाल करते हैं स्टार्च है विटामिन है कच्चे केले के अंदर अगर छोटे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रेसिपी है ये छान के रखा हुआ मैदा ओके अब थोड़ा सा मैदा हमने लिया है अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लेंगे हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है करेंगे क्रम करने के लिए आप ब्रेड क्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउन ब्रेड हुई या फिर आप राइस फ्लेक का इस्तेमाल कर सकते हैं अब क्या करना है थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में इस तरह लेना है जिस तरह कभी कभी कचौड़ी की फिलिंग के लिए हम कुछ तैयारी करते हैं ऐसे ही यहां पर जो हमारे पास ये चीज है वो इस्तेमाल होगी जो हमने जमा के रखी हुई है देखिए काफी कड़क हो चुकी है फ्लेवर की मैं बात कर रहा था वो भी इसमें काफी अच्छा आ चुका है इसको इसके सेंटर में इस तरह में फिल करना है कुछ इस तरह से इसके बाद क्या करना है इसे थोड़ा अंदर दबाइए अच्छे से जब आप देखें कि आप इसे क्लोज कर चुके हैं इसके बाद इसको जो क्रम्स हैं इसके अंदर हम डुबाएंगे बाद इसको थोड़ा फ्लैट कीजिए दोबारा क्रम करके तैयार है अब क्या करना है भाई इसी तरह और तैयार करने तो आइए इसी तरह और तैयार करते हैं जल्दी से फ्राई करेंगे मध्यम आंच के ऊपर
दो से ढाई मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद आप देखेंगे काफी अच्छा क्रस्ट इसके ऊपर आ गया है, कलर बहुत अच्छा इसका हो गया है। ये भी तैयार हो चुके हैं, गैस बंद और अब करते हैं इनकी प्रेजेंटेशन की तैयारी। काफी सिंपल है, अच्छी सी एक टोकरी में हमेशा प्रेजेंट करें। इस तरह का स्नैक्स जब बना रहे हो, थोड़े से जो ब्रेड फ्लेक्स हैं ये छिड़केंगे, इससे कलर का जो यहाँ पे भी ग्रीन है यहाँ पे भी ग्रीन है तो डिफरेंस जो हमें लाना है वो इससे आसानी से आता है। लीजिए पैप्रिका ऑयल छिड़क के तैयार है आज की हमारी होममेड चीज से बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है ग्रीन पी फ्रिटर्स। ग्रीन पी फ्रिटर्स बनाने के लिए हमें चाहिए निर्धारित सामग्री, एक कप उबले हुए हरे मटर, स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून जीरा पाउडर, 10 से 12 पुदीने की पत्तियां, एक उबला हुआ कच्चा केला, एक टेबल स्पून मैदा, एक कप ब्रेड क्रम्स, 2 टेबल स्पून योगर्ट चीज, तलने के लिए तेल, गार्निश के लिए ब्रेड क्रम्स, योगर्ट चीज, पुदीने की पत्तियां, जैतून का तेल। ग्रीन पीस फ्रिटर्स बनाने की विधि, एक मिक्सर में हरे मटर, नमक, जीरा पाउडर और पुदीने की पत्तियां मिलाकर पीसे। अब एक बोल में पीसे हुए मटर, बारीक कटे हुए केले, मैदा, नमक और जीरा पाउडर मिलाकर टिक्कियों का आकार दें। इसके बाद टिक्कियों के बीच में योगर्ट चीज भरकर ब्रेड क्रम्स से कोट करके तल लें। तैयार फ्रिटर्स को ब्रेड क्रम्स, योगर्ट चीज, पुदीने की पत्तियां और पैप्रिका ऑयल से गार्निश करें। आपके ग्रीन पीस फ्रिटर्स तैयार हैं। राजस्थान की सरजमीन से निकलेंगे सांस, आवाज और अंदाज के सितारे। जब मंच अपना तो अपना होगा चांद, म्यूजिक सिंगिंग हो या डांस। राजस्थानी नहीं हमारे पूरे भारत को आगे ले जाने वाली वो बात है। देखिए देश के चमकते सितारे की तलाश, दी राजस्थान न्यूज टैलेंट हंट। साज, आवाज और रक्ष, यानी कि सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का टैलेंट हंट शो फर्स्ट टाइम। हम जज करेंगे हंस द बेस्ट। सबसे पहले आज बनाई होममेड चीज और उसके बाद उसी होममेड चीज से हमने बनाए हरे मटर के कुछ फ्रिटर्स, पी फ्रिटर्स। अब हमारे पास थोड़ी सी होममेड चीज और बची हुई है, क्या करें, इससे भी बनाते हैं आज की हमारी थर्ड रेसिपी जिसमें एक ड्राई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होगा जो अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं हम, वो है रवा यानी कि सेमोलिना। तो इसका नाम है रवा एंड चीज कटलेट्स। सबसे पहले एक बड़े से बोल के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा रवा, रवा हमने ले लिया, इसके साथ मिलाएंगे कुछ और सामग्री जैसे कि बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा भी जाएगा, साथ में बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये सभी चीजें डाल के अच्छे से पहले मिक्स करें। साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। तो अगर हमने 4 चम्मच रवा इस्तेमाल किया है तो हम करीब 1 से 1.5 चम्मच मैदा इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हमारी होममेड चीज है उसको हम इसके अंदर मिलाएंगे। जिसको हम इसके साथ
साथ अच्छे से मिलाएंगे। इसके साथ ही इसमें मिलाएंगे बहुत थोड़ा सा मिल्क, गरम दूध जिसको हल्का सा गुनगुना रखें आप, और क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है तो दूध जो है वो इसको मदद करेगा और सॉफ्ट बनाने में। सभी चीजें लगभग आपस में मिल गई हैं। अब आइए हाथों से चेक करते हैं क्या आपस में एक जगह बीचों बीच वो इकट्ठा हो रहा है या नहीं। मिक्सर आपका एकदम तैयार है। अब आइए इनको थोड़ा सा ब्रेड क्रम लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सर जो है हाथों में लें इस तरह से, एक अच्छा सा राउंड स्मूथ बॉल उसको जो है बनाने की कोशिश करें। इसके बाद नाइफ से थोड़ा उसको इस तरह से बीट करें और साइड से उसको इस तरह शेप देना शुरू करें। कोशिश करें ट्रेडिशनल कटलेट जो होता है जैसा कि अक्सर रेस्टोरेंट में मिलता है कुछ इस तरह का शेप। इसके बाद क्या करना है, और बस हल्का सा इस तरह कोट करें, और अगर मिक्सचर जो है बहुत ही ड्राई हो जाए और आपको लगे बिल्कुल भी जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम कोट नहीं हो रहा है तो एक ब्रश से थोड़ा सा इसके ऊपर मिल्क या दूध लगाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम से आप इसे कोट करें। रवा कटलेट हमने तैयार कर लिए, शेप देके क्रम भी हल्का सा कर लिया है। अब एक पैन को गर्म करते हैं और इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा गाढ़ा ऑलिव ऑयल लेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, कुकिंग भी जल्दी होगी। अब क्या करना है, पैन जो है गर्म हो चुकी है, ऑलिव ऑयल की बहुत अच्छी सी महक आ रही है। एक एक करके जो हमारे कटलेट्स हैं उनको डालते हैं। मध्यम आंच के ऊपर सेकना है जब तक दोनों तरफ एक बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट नहीं आ जाता है। 2 से 2.5 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके अंदर जो क्रम्स थोड़े बहुत छूट गए थे उनका कलर काफी डार्क हो गया है। अब इसको पलट देते हैं। टोटल करीब 5 मिनट धीमे आंच के ऊपर सेकने के बाद, एक दो बार पलटने के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह ये कटलेट जो है सिक चुके हैं, कुकिंग हो चुकी है। गैस को एकदम धीमा रखिए, बंद मत करिए क्योंकि एक चीज का डिप भी हम बनाएंगे और इनको जो है निकाल लेते हैं जल्दी से। पेपर में इनको निकाल लिया है ताकि एक्सेस ऑयल जो है अगर थोड़ा बहुत है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। अब यहां पर जो हमारे पास तेल गर्म है उसके अंदर हमें सबसे पहले डालनी है थोड़ी सी ग्रीन चिली, उसके साथ ही ये जीरा इसको भी भून लेंगे। ग्रीन चिली और जीरा जब आपको भूनता हुआ नजर आएगा तब हमारे पास जो ये चीज है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, और चीज डालते ही बस इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करना है। चाहे तो उस समय गैस बंद कर लें, जो हीट पैन के अंदर है वही काफी है। थोड़ा सा गुनगुना पानी यहां इस्तेमाल होगा, धीरे धीरे से बीट करते जाइए, एक सॉस जैसा टेक्सचर इसके अंदर लेके आना है। अब थोड़ा सा पानी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप देखेंगे एकदम सॉस जैसा इसका टेक्सचर हो गया है, काफी अच्छा ये तैयार है। अब करते हैं जल्दी से प्रेजेंटेशन। कटलेट हमने जो है अच्छे से सेक लिए हैं, प्रेजेंटेशन की तैयारी, एक एक करके इस तरह इनको लगाना है। और लीजिए तैयार है होममेड चीज को 2 तरह से इस्तेमाल करके बनाए गए आज की हमारी रेसिपी कटलेट्स वाली, जिसका नाम है सेमोलिना यानी कि रवा कटलेट्स। रवा कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए निर्धारित सामग्री, 2 टेबलस्पून रवा, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर,
एक टीस्पून जीरा, दो टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक से डेढ़ टेबलस्पून मैदा, दो टेबलस्पून योगर्ट चीज, तीन से चार टेबलस्पून दूध, जरूरत के हिसाब से ब्रेड क्रम्स, तीन से चार टेबलस्पून जैतून का तेल। सॉस के लिए दो टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक टीस्पून जीरा, दो टेबलस्पून योगर्ट चीज। गार्निश के लिए बारीक कटे हुए धनिया की पत्तियाँ। रवा कटलेट्स बनाने की विधि। एक बोल में रवा, धनिया की पत्तियाँ, नमक, बेकिंग पाउडर, जीरा, हरी मिर्च, मैदा, चीज और दूध मिलाकर डो तैयार करें। अब डो को ट्रायंगल का शेप देकर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। इसके बाद एक पैन में जैतून का तेल गरम करके कटलेट को पकाएं। अब इसी पैन में हरी मिर्च, जीरा, चीज और पानी मिलाकर सॉस तैयार कर लें। तैयार कटलेट को सॉस के साथ सर्व करें और धनिया की पत्तियों से गार्निश करें। आपके रवा कटलेट्स तैयार हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से घर के अंदर ही हम ऐसी नायाब चीजें, एग्जॉटिक चीजें बना सकते हैं, जैसे कि होममेड चीज, और फिर उसको होममेड चीज को किस तरह से अलग अलग रेसिपी के अंदर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके कुछ कुछ और बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ और अगर बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो जुड़े रहिए शेफ गौतम महर्षि के साथ। अगली मुलाकात तक बाय बाय, नमस्कार।